सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बैठिए। थैंक यू सर। ओ पार्टी कैसा है दादा? बड़ी खुशी हुई मिलके, पर वेट कर रहा था इस मोमेंट के लिए। स्टार्ट करें, बैठो ना, खड़े थे क्यों? कुछ पानी, कॉफी, कुछ भी होगे? बशीर? जी सर। सर मेरे लिए बस एक ग्लास पानी। बशीर एक काम करो, दो ग्लास पानी लेके आ जाओ। अभी लाया। कुछ चाय कॉफी लेंगे आप? बशीर फुल खापा सी। जी सर बिल्कुल चलेगा। बशीर बशीर एक काम कर, दो बंक बाब ले आ, अंडे वाले। एक काम कर, तू खाएगा? हाँ तीन ले आ, पता चले मेरा है, ये मेरे से खा रहा है। ऐसे नहीं चलेगा, सब अपना अपना खाएंगे। हाँ मेरे में टमाटर नहीं डालना, बाकी चटनी रायता वगैरह सब लेते जाना। और एक काम, बेकरी जाना, बेकरी से चार समोसे ले आना, दो कीमे के और दो आलू के। बाकी जो पैसे बचे वो जलेबी शलेबी ले लेना, वो जो भी आता है ये जल्दी से ले आ, फटाफट, टाइम नहीं है मेरे पास। समी नाम है आपका? यस सर। सीवी लेकर आया सर? अच्छा सीवी। सीवी अबे छोड़ यार, सीवी कहाँ जाता है, चलेंगे डेवल पॉइंट, वहाँ शुगर मस्ती करेंगे। अपना बॉय है उसके हट है, वहाँ पर बात कराऊँ उससे, वो करवा देगा सस्ते में। पर निकलेंगे सुबह 5 बजे, वो भी लियारी एक्सप्रेस वे से। सीवी की बात कर रहा हूँ, सीवी। हाँ ओ हाँ वो तो है, बात तो क्लियर किया करो यार। आलू टमाटर? अबे नहीं ये नहीं, ये वो है ना, अम्मी ने सौदा मंगवाया ना, वो मेरे शाम में लेकर आना है, वो मैं भूल जाता हूँ, मैंने इस पे लिख दिया। टीम लीडर, कम्युनिकेशन स्किल्स, फ्लुएंट इन इंग्लिश। ओ एमयूएन में आप टॉप डेलीगेट भी थे? सर मैं नाइजीरिया को रिप्रेजेंट कर रहा था, एंड आई वाज अ टॉप वन, एंड चार कैंडिडेट पिक्चर्स भी हैं, एक सीवी पे भी है। आप ये जॉब क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? सर सी, आई वांट टू वर्क इन अ कंपनी जहां मुझे अपने पूरे पोटेंशियल के साथ काम करने का मौका मिले, एंड आई वांट टू हेल्प द कंपनी ग्रो, बिकॉज़ इफ द कंपनी ग्रोस आई ग्रो विद इट। पर्सनल स्किल्स, उनो किंग? अब एक ड्रॉ फोर से चारों लोगों को हराया मैंने। खो खो चैंपियन, एक टोकन में स्नो ब्रोस की एंड की भला मारता हूं, हैं कुर्बानी की जानवर की आवाजें निकालता हूं। अबे हां हां ये देखो गाय, और वो बकरा, दो किस्म के बकरे होते हैं, एक होता है आंडू और ये खस्सी। जैसे आपको पता है एक प्राइवेट फर्म में, तो यहाँ पर अक्सर क्लाइंट का बहुत प्रेशर रहता है, तो हमको लेट सेटिंग करनी पड़ती है, काफी रात भी हो जाती है हमको, तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? सर नो इश्यूज, बिकॉज मैं मॉडल यूनाइटेड नेशन में भी था, तो हम 10 बजे रात तक डेलीगेशन में होते थे, तो वो मसला नहीं है मेरे लिए। अच्छा कभी कभी ये होता है कि क्लाइंट का बहुत प्रेशर रहता है, तो हमें लेट सेटिंग करनी पड़ती है ऑफिस में, काफी काम का बटन रहता है, तो क्या आप लेट सेटिंग कर पाएंगे? लेट सेटिंग? अबे लेट के बैठ के खड़े होके भागते हुए आपका भाई काम निकाल लेगा, आप टेंशन नहीं लियो, आपका काम हो जाएगा। ओके थैंक यू, फिर हम इंशाल्लाह ताला एक हफ्ते के बाद आपको कॉल करेंगे, जो भी हमारा डिसीजन होगा वो आपको बता देंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। बड़ा मजा आया यार आपसे मिलके, बड़ी खुशी हुई। बाकी वो हट करवाना है, मैं बात कराऊं अपने बंदे से? नहीं नहीं नहीं, अगले हफ्ते आपको कॉल आ जाएगी। ये मैं लेके जा रहा हूँ। और फिर नौकरी किसको मिली? हाँ गजनफर को, क्योंकि कॉन्फ्रेंस हर इंटरव्यू में जरूरी होता है, और क्योंकि नो वन केयर्स इफ यू आर एन MUN डेलीगेट, रिमेम्बर दैट।